Bismillahirrahmanirrahim. Quadratic equation. The equation which is written in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0 is called quadratic equation, where a, b, c is any real number. तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफिनेशन है. जब हमारे पास जनरल फॉर्म इस तरह होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब इस तरह कोई इक्वेशन आ जाए तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान किस तरह हम करेंगे, यानी अगर हमारे पास वेरिएबल का पावर जो होगा इस पावर ऑफ वेरिएबल ये 2 होगा तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये और ये ए बी सी जो है ये आपके पास कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं. तो यहाँ पे अगर मेरी को एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जाम्पल है. अब हम इस किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 तरीकों से सॉल्व करते हैं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय कंप्यूटिंग स्क्वायर. इससे पहले हम आते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू जो है 0 हो गई, तो ये हमारे पास है, आप देखिए ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. अगर हम a की जगह 0 पुट कर लें, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 हो गया, तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो अब ये हमारे अगर a की वैल्यू जो है वो 0 हो गई, तो यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये आपके पास इस तरह बन जाएगा, ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 बन जाएगा. और अब हम इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं. लीनियर हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि अब हमारे पास है इस पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, तो ये आपके पास लीनियर इक्वेशन होगा. अब अगर हमारे पास जो है b की वैल्यू जो है a और b की वैल्यू दोनों 0 हो गए किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो ये आपके पास क्या होगा, यानी c इज इक्वल टू 0 बन जाएगा और ये एक कांस्टेंट इक्वेशन होगा. अब जब b और c की वैल्यू 0 हो जाए तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इस तरह बन जाएगा, a एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 3 तरीकों से सॉल्व करते हैं, एक बाय फैक्टराइजेशन मेथड है, सेकंड जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला, थर्ड वन जो है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है. तो हम एक एग्जांपल लेते हैं और इसको 3 तरीकों से सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट हमारे पास हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसमें हमारे पास a, यानी अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है आपके क्या होगा, 1 होगा, तो ये a की वैल्यू 1, b की जगह 5 और c की जगह 6 आ गया. अब जो है हम इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं. तो ऐसे दो नंबरों का प्रोडक्ट ले लें जिससे हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाए, 6 आ जाए. फिर इन ही दो नंबरों का हम सम लेंगे जिससे रिजल्ट 5 आ जाए. तो वो दो नंबर क्या होंगे, यानी 2 और 3. 2 3 आर 6 और 2 प्लस 3 से 5 आएगा. अब हम इस 5x की जगह क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3x लिखेंगे. तो यहाँ पे आप लिखे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. अब इन दो टर्मों से जो है x कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पे हम 3 कॉमन कर सकते हैं. तो फर्स्ट 2 से हम x कॉमन करते हैं, तो यहाँ पे x, यहाँ पे 2 रह जाएगा. यहाँ से 3 कॉमन कर ले तो ये x प्लस 2 रह जाएगा इज इक्वल टू 0. अब इन दो टर्मों से हम क्या x प्लस 2 कॉमन कर सकते हैं, तो x प्लस 2, यहाँ पे x रह जाएगा और यहाँ पे 3 रह जाएगा इज इक्वल टू 0. अब ये हमारे पास क्या है, हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया और इससे हमारे पास ये दो फैक्टर बन गए. अब अगर आप जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप निकालना चाहते हैं, या आप जो है इसके इसको हम सॉल्यूशन भी कहते हैं या रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं, तो यहाँ पे देखें हम इसकी रूट या सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा.
तो x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो और x प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो x टू को इस साइड पे शिफ्ट कर ले तो प्लस टू है, इस साइड पे शिफ्ट कर ले तो माइनस टू। अब x प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो है तो प्लस थ्री को इस साइड पे शिफ्ट कर ले तो माइनस थ्री बन जाएगा। तो ये हमारे पास दो रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अगर आप इसकी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं कि हमारा ये जो रूट हमने फाइंड किया है और ये ठीक है, तो आप जो है एक्स की वैल्यू को यहाँ पे माइनस टू पुट कर ले। अगर लेफ्ट और राइट आपके पास जीरो आंसर दे रहा है आपको, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो रिजल्ट आया है, जो रूट है या इक्वेशन हम इसको कहते हैं, तो ये आपका ठीक होगा। इस तरह आप सेकंड एक्स की वैल्यू जो है इसको भी आप चेक कर सकते हैं, या एक्स की जगह माइनस थ्री पुट कर ले और इसको सॉल्व कर ले, तो आपके पास लेफ्ट और राइट से सेम आंसर आएगा। अब यही एग्जांपल हम लेते हैं और इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इससे यही वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अब हम इस क्वेश्चन को लेते हैं और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखिए एक एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर कर ले, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों को कंपेयर कर ले, यानी इस क्वेश्चन को आप जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर कर ले, तो एक ही जगह यहाँ पे क्या होगा, हर नंबर के साथ जो है मल्टीप्लीकेशन में वन होता है। तो ये आपके पास ए इज इक्वल टू वन होगा, बी आपके पास फाइव और सी आपके पास क्या सिक्स होगा। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम सॉल्व करते हैं, तो फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है आपके पास, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाय टू ए। ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है जनरल। अब यहाँ पे हमने ए बी और सी की वैल्यू पुट करनी है, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की जगह फाइव प्लस माइनस अंडर रूट बी की जगह फाइव और ये स्क्वायर माइनस फोर ए की जगह वन बी की जगह सी की जगह सिक्स पुट कर ले डिवाइड बाय टू ए की जगह वन पुट कर ले। एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव प्लस माइनस अंडर रूट फाइव स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, फोर वन आर फोर, फोर सिक्स आर ट्वेंटी फोर, तो माइनस ट्वेंटी फोर डिवाइड बाय टू। एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव प्लस माइनस अंडर रूट ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फोर, तो वन बाय टू। एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव प्लस माइनस अंडर रूट वन जो है हमारे पास वन के इक्वल होता है डिवाइड बाय टू। अब हम ये हमारे पास क्या है प्लस माइनस है दरमियान में, तो आप इसको लिखे एक दफा एक्स लिखे एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव प्लस वन डिवाइड बाय टू, सेकंड लिखे एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव माइनस वन डिवाइड बाय टू। एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव प्लस वन से क्या आएगा माइनस फोर डिवाइड बाय टू, एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव और माइनस वन से माइनस सिक्स डिवाइड बाय टू, तो एक्स इज इक्वल टू टू वन जार टू 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 जार फोर माइनस टू आ जाएगा, यहाँ से टू वन जार टू टू थ्री जार सिक्स, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री। अब देखिए दोनों मेथड से हमारे पास एक्स की जो वैल्यू है, फर्स्ट मेथड को देखें बाय फैक्टराइजेशन मेथड से ही एक्स की वैल्यू जो है माइनस टू और माइनस थ्री आई थी। अब हमने इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व कर लिया, तो यहाँ से भी हमारे पास एक्स की जो वैल्यू है ये माइनस टू और माइनस थ्री आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड जो